नमस्कार प्रिय मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है डीएसआर जोन में। तीन चुटकी नमक गिरा दो इस जगह पर। मित्रों, एक बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही ताकतवर टोटका, बहुत ही ताकतवर उपाय आज हम आपको बताएंगे, जिसे आप कर लें आपका बड़े से बड़ा, चालाक से चालाक शत्रु कितना भी ताकतवर हो, कितना भी शक्तिशाली, खुद आकर ना करगड़ेगा, आपके सामने मांगेगा माफ़ी। मित्रों, ये उपाय किसी भी शत्रु को ना केवल परास्त करता है, हराता है, बल्कि उसकी दशा ऐसी कर देता है कि जो कुछ भी बुरा वो आपके लिए सोचता है, जो कुछ भी बुरा वो आपके लिए करने की कोशिश करता है, प्रयास करता है, सब पलट कर उसकी तरफ चला जाता है। उसकी ऐसी दशा हो जाती है कि उसके अपने भी उससे नफरत करने लगते हैं और वो हो जाता है चारों तरफ से बर्बाद। मित्रों, इस उपाय को आप सप्ताह में किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी दिन किसी भी समय इस उपाय को आप करें। आपने उपाय शुरू करने से पहले अपने हाथ मुंह पैर अच्छे से धो लेने हैं। एक स्थान पर किसी भी पात्र में, कटोरी हो, कोई चम्मच हो, उसमें आप नमक रख लें। नमक जो आप लेंगे वो सादा नमक लेंगे, कोई भी नमक, आप सेंधा नमक या सादा नमक जो होता है कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ बैठेंगे कोई भी आसन कपड़ा बिछाएं और बैठने की अपनी दिशा जो रखेंगे वो आप दक्षिण की रखेंगे, यानी साउथ की ओर मुख करके आपने बैठना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने उल्टे हाथ से जो आपकी अंगूठा है और तर्जनी उंगली है, यानी थंब और इंडेक्स फिंगर अंगूठे के साथ वाली, उससे अपने सीधे पैर का पालती मारकर, पलाश मारकर आप बैठेंगे, सीधे पैर का अंगूठा पकड़ लेना है और जो नमक है आपके सामने उसमें से एक चुटकी नमक आप उठा लें, नमक को उठाएं और उसके बाद आँख बंद करें, नमक को सामने की ओर ही रखें, आँख बंद करें, उस व्यक्ति का नाम लें जिसके लिए आप इसे कर रहे हैं तीन बार, और उसके बाद उसे सोचते हुए, ध्यान करते हुए, जब आप उसे ठीक प्रकार से विचार लें, बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर आपने क्या करना है, एक मंत्र उच्चारित करना है। जो मंत्र आप बोलेंगे बहुत छोटा सा मंत्र है, उसे आप पहले ही याद कर लेंगे। मंत्र इस प्रकार है, हीं शत्रु नाशाय फट, हीं शत्रु नाशाय फट। ये आपने जो मंत्र है वो बोलना है सात बार, और बड़े ध्यानपूर्वक बोलेंगे, एकाग्रचित्त होकर, जितने एकाग्रता के साथ, जितनी शांत मन के साथ आप इसे बोलेंगे उतना ही सीधे आपके शत्रु पर ये असर करेगा, उतना ही शीघ्र आपके शत्रु को ये पहुंचाएगा सीधा नुकसान। क्या करना है आपने, यहाँ पर आप जब मंत्र बोलेंगे हींग के बाद, शत्रु से पहले आपने उस व्यक्ति का नाम लेना है जिसके लिए भी आप ये उपाय कर रहे हैं, चाहे वो पुरुष है स्त्री है, उसका पहला नाम ले लें। और उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो नमक है इसे आप ज़मीन पर अपने सामने रखते हैं, आपने कटोरी में नमक लिया था उसे आप ज़मीन पर रख दें। जो आपने एक चुटकी नमक उठाया उसको ज़मीन पर रखा, उसके बाद दूसरी चुटकी नमक उठाएं, सिर्फ तीन बार अपने शत्रु का नाम लें, मंत्र नहीं बोलना, उसी नमक के ऊपर रख दें। तीसरी बार उठाएं, बिल्कुल ऐसा ही दोहराएं और नमक के ऊपर रख दें। इतना करने के बाद जो कटोरी में नमक है, जो बचा हुआ नमक है, उसे आप हटा दें, उस स्थान से कहीं भी गिरा दें। जो नमक आपने ज़मीन पर रखा है उसे आप किसी कागज़ या कपड़े पर, छोटा सा कागज का टुकड़ा या कपड़े का टुकड़ा लें, उस पर उठा लें, उस नमक को धीरे धीरे उस पर रख लें, उसकी बना लें पुड़िया। पुड़िया बनाने के बाद आप उस पुड़िया को आपने बंद कर लिया, उसे आप लेकर जाएं घर से बाहर। घर से बाहर जाने के बाद अपने घर के सामने की दिशा, वहाँ आप 11 कदम जाएं। अगर सामने नहीं जा सकते, कोई ऐसा स्थान आपके घर के आगे नहीं है, आप सीधे जाएं, इतना लंबा स्थान ना हो, तो आप बाएं या दाएं कहीं भी 11 कदम चले जाएं, और उसके बाद 3 कदम और सीधा मुड़ें, जिस तरफ भी आप जाएंगे वहां से सीधा 3 कदम और मुड़ें, और उसके बाद इस पुड़िया को वहां छोड़ें। ये आप नहीं कर सकते तो आपके अगर घर के पास कोई भी पेड़ है उसकी जड़ पर इसे रखें, कैसा भी पेड़ हो, किसी भी चीज़ का, पौधा ना हो, पेड़ ही हो, और उसके बाद आप वापस आ जाएं घर, और घर आने के बाद अपने हाथ मुंह पैर फिर एक बार अच्छे से धो लें। मित्रों, बस इतना सा ही आप उपाय कर लें और उसके बाद देखें अपने उस शत्रु की दशा।